तो गाइस हमारी गाड़ी सर्विस हो गई है और गाड़ी का तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। और कैसे हैं आप लोग? और खूब सच होंगे, मैं भी अच्छा हूँ। और आज का हमारा व्लॉग जो होने वाला है, बेसिकली हमें अपनी बाइक की थर्ड सर्विस करानी है जो ड्यू थी, और तीन ही सर्विस फ्री मिलती है होंडा की तरफ से हमें। हमारे बड़े भाई चल रहे हैं, माई ब्रिग ब्रदर, विद R15 V3 वर्जन 3 और BS4, और काफ़ी प्यारी गाड़ी, उसको भी चलाएंगे। V3 जैसे मैंने आपको बताया, ये बेसिकली V3 है, वर्जन 3 है R15 का, और ये BS4 बाइक है जिसमें 19.3 या 2 BHP के आसपास पावर प्रोड्यूस करता है इंजन, और काफ़ी पावरफुल बाइक है और चलाने में बहुत मज़ा आता ही है इस बाइक को। और सीधा आगे चलते हैं, और जब आप शोरूम में पहुंचेंगे तब आपसे वहां बातें स्टार्ट। तो गाइस अभी हम शोरूम को जा रहे थे, तो शोरूम से जाने से पहले हमने ज़रा मंदिर जाना था, क्योंकि आज मंगलवार है, हनुमान जी की भी थोड़ी हम भक्त हैं। तो हम धुनप्रयाग में आए हैं और अभी वहीं को जा रहे हैं, और भाई भी हमारे साथ में जा ही रहे हैं, और आपको थोड़े से मैं व्यू दिखा देता हूँ यहाँ का सीनरी। पूजा वूजा कर लिए और अब निकलते हैं शोरूम की तरफ को। कोई आता नहीं रहा, देख लिया। तरह से व्यू आप देख पा रहे होगे, और अब आपको मैंने यहाँ भी काफ़ी दिखाया गया है, तो वीडियो ना ज़्यादा लंबी करते हुए सीधा आपसे शोरूम में मिलते हैं। और ठेको में इधर भीड़ लगी हुई है दारू पीने वालों की, कमी नहीं है। अभी हम आ गए हैं गाड़ी धुलवाने, और आपने देखा होगा इससे पिछले वाली वीडियो में भी, और गाड़ी हम धुलवा रहे हैं, और वो सामने अपनी बाइक खड़ी है पेन, और गाड़ी धुलवा। तो गाइस गाड़ी धुल चुकी है हमारी, और पेन काफ़ी प्यारी साफ़ हो गई है। एक आपको दिखा देते हैं किस तरीके से साफ़ हुई है, और क्या साफ गाड़ी बिल्कुल साफ़ हो चुकी है। जैसे कि आपने देखा होगा, इससे पिछली बार भी मैंने गाड़ी यहीं धुलवाई थी शोरूम में, इंजन भी क्लीन हो गई है। और चलो अब सर्विस होगी इसकी, अब सर्विस के बाद फिर अब पूरा आपको टाइम लैप्स में दिखा दूँगा मैं, क्योंकि मैंने इससे पहले ये वीडियो कवर कर चुका हूँ डिटेल में। तो गाइस हमारी गाड़ी सर्विस हो गई है, और गाड़ी का हमने कैलिबर की जो मतलब ब्रेक डिस्क पैड होते हैं उसको रेगमाल से घिसवा के उसको बिल्कुल परफेक्ट कर दिया है। इंजन ऑयल हमने डाल दिया है, इंजन ऑयल और स्पार्क प्लग भी क्लीन करवा के वापस लगा दिया है, और पीछे के कैलिबर के डिस्क पैड भी हमने साफ़ करके लगा दिए हैं। बाकी चेन लूप कर दिया है, चेन क्लीन भी कर दी है, मैं डीज़ल लाया था थोड़ा, तो डीज़ल से मैंने चेन क्लीन करी थी, और चार इसमें ऑयल लगा के थोड़ी देर रख दिया ताकि ओरिंग जो है ऑयल को सोख ले, और बाकी गाड़ी में ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। और इसको आप बोलोगे कि पॉलिश भी नहीं करा, पॉलिश मैं घर जाके करूँगा, और क्योंकि मैंने स्पेशल पॉलिश रखी है वैक्स पॉल की, और दूसरी ऐसी वाली पॉलिश है इनमें थोड़ा मिट्टी मिट्टी चमकती है, इस वजह से मैं यहाँ पर इसको यूज़ नहीं करूँगा, घर में जाके साफ़ करूँगा। तो हो गया हमारा काम, बाकी बिल मेरा ये ऐसा 628 रुपये के आसपास बना है, क्योंकि थर्ड सर्विस थी और लेबर चार्ज फ्री है, धुलाई और पॉलिश का कोई चार्ज मुझे पड़ेंगे। को जा रहे हैं, और गाड़ी की सर्विस हो गई हमारी, और ज़्यादा कुछ था नहीं, इंजन ऑयल चेंज होना था और वगैरह डिस्क पैड वगैरह थोड़ा साफ होके लगने थे, तो बाकी हो गई है सर्विस। और बाकी मैंने आपको दिखाया था पहले, इसलिए मैंने आपको डिटेल में दिखाया नहीं चीज़ें, क्योंकि पहले भी मैं डिटेल में कवर कर चुका हूँ ये चीज़ें। और अब हमारा सीन है कि मेरे को जाना है अभी भाई को लेने गांव के नीचे, और भाई वहाँ से आएगा, फिर हम कीर्ति नगर को सामान वान लेंगे, और उसके बाद वापस घर को जाएंगे।
अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें चैनल को। तब तक के लिए ऐसे इंटरेस्टिंग ब्लॉग और वीडियो के लिए आप हमारे चैनल को सपोर्ट कर सकते हैं। और जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।